नाम बोलिए अपना। विनोद साहू। विनोद साहू, उम्र कितनी है आपकी? 48। 48। आप कहाँ रहते हैं? बिरारी। अच्छा, आपको क्या तकलीफ थी? कमर का प्रॉब्लम था। कमर का? कितने साल से तकलीफ है आपको? एक साल से। अच्छा, क्या तकलीफ होता था? मतलब कमर में? कमर मतलब चल नहीं पा रहा था। चल नहीं पा रहा, टाइट होके भी चल नहीं पाते थे, फटाक से उठ भी नहीं मिलता। काम मुझे जैसा पंचर विंचर बनाते थे ना, हाँ, तो पूरा पकड़ लेता था कमर एक। यानी उठते ही जब पंचर बनाकर जब उठते थे तो टेढ़े रहता था, एकदम टेढ़े रहते थे, खड़े नहीं हो पाते थे स्ट्रेट बराबर से, है ना। यानी फिर आपको ये सुरेश किया, फिर आपने एक महीना भी सामी का सप्लीमेंट खाया, जो भी मैंने आपको R3 पावर दिया और भी जो कैल्शियम दिया और भी जो चीजें दिए, एक महीना आपने सामी का सप्लीमेंट खाया, अभी आपको कैसा लग रहा है? 100 में कितना परसेंट आराम लग रहा है? 75% आराम लग रहा है। अभी फटाक से उठ जाते हैं, उठ के दिखाओ मुझे। वेरी गुड। पहले कमर अकड़ जाती थी ना उठ के खड़े, आराम से अब चल भी नहीं पाते थे बराबर से, अभी चल के दिखा दो मुझे। वेरी गुड, बैठ जाइए। अभी आप नाम बोलिए अपना। विनोद साहू। उम्र कितनी है आपकी? 48। आप कहाँ रहते हैं? बिरारी। अच्छा, आपको क्या तकलीफ थी? कमर का प्रॉब्लम था। कमर का? कितने साल से तकलीफ है आपको? एक साल से। अच्छा, क्या तकलीफ होता था? मतलब कमर में? कमर मतलब चल नहीं पा रहा था। चल नहीं पा रहा, टाइट होके भी चल नहीं पाते थे, फटाक से उठ भी नहीं मिलता। काम मुझे जैसा पंचर विंचर बनाते थे ना, हाँ, तो पूरा पकड़ लेता था कमर एक। यानी उठते ही जब पंचर बनाकर जब उठते थे तो टेढ़े रहता था, एकदम टेढ़े रहते थे, खड़े नहीं हो पाते थे स्ट्रेट बराबर से, है ना। यानी फिर आपको ये सुरेश किया, फिर आपने एक महीना भी सामी का सप्लीमेंट खाया, जो भी मैंने आपको R3 पावर दिया और भी जो कैल्शियम दिया और भी जो चीजें दिए, एक महीना आपने सामी का सप्लीमेंट खाया, अभी आपको कैसा लग रहा है? 100 में कितना परसेंट आराम लग रहा है? 75% आराम लग रहा है। अभी फटाक से उठ जाते हैं, उठ के दिखाओ मुझे। वेरी गुड। पहले कमर अकड़ जाती थी ना उठ के खड़े, आराम से अब चल भी नहीं पाते थे बराबर से, अभी चल के दिखा दो मुझे। वेरी गुड, बैठ जाइए। अभी